से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज 6 नवंबर, 6 नवंबर संत निकोलस का पर्व है। हमें मालूम है संत निकोलस को ही सब लोग सांता क्लॉस कहते हैं। ये संत निकोलस का नाम से सांता क्लॉस नाम आया है, लेकिन संत निकोलस सांता क्लॉस नहीं था। हम लोग आज उनके जीवन के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। संत निकोलस को संत निकोलस ऑफ मैरा या बाहरी, ये दो नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि ये मैरा देश का बिशप था, इसलिए उनको निकोलस ऑफ मैरा कहते हैं। ये मैरा प्रदेश जो है एशिया माइनर हमें मालूम है उस समय पर रोमन साम्राज्य था, एक पोर्ट सिटी था, उस देश का बिशप था। इनका जन्म 15 मार्च 270 में, 15 मार्च 270 AD। इनके पिता का नाम है एपिफानूस और मां का नाम है जोआना। और कुछ रिकॉर्ड में इनके पिता का एक दूसरा नाम थियोफ्यूस भी लिखा है और मम्मी का नाम नोना भी लिखा हुआ है। ये ग्रीक वंशज है, इसका मतलब एक ग्रीक परिवार में संत निकोलस का जन्म 15 मार्च 270 में, 270 एडी में हुआ है। उनका जन्म स्थान टर्की देश का पतारा ये था, वो भी एशिया माइनर का भाग है, सीपोर्ट सिटी था। और हमें मालूम है 270 का वो समय जो रोमा साम्राज्य एशिया में अधिकतर जगहों पर कब्जा रोमा साम्राज्य का था। और हमें मालूम है आदिम कलीसिया है, रोमा साम्राज्य क्रिस्तियों पर अत्याचार करने का समय, इसी कारण इनके द्वारा लिखे हुए कई लेख, कई किताबें और इनके विषय में लिखा हुआ बात हो, ये सब रोमा साम्राज्य के अंदर ही रोमन जो सम्राटों के द्वारा सब कुछ नष्ट भी किया है। आगे चल करके हमें मालूम है ये कितना महान व्यक्ति था, उनको नष्ट करने का और उनके विषय में जो भी है वो सब नष्ट करने का प्रयत्न रोमा साम्राज्य में हुआ है। इनके मामा अंकल एक बिशप था, यही मेरा जो डायसिस का बिशप था, उनके द्वारा ही निकोलस को जो पुरोहित बनने का कृपा मिला, उनको देख करके जीवन जिया, पुरोहित बनने का आग्रह उत्पन्न हुआ। इसके बाद वो सेमिनारी ज्वाइन करते हैं और ऑर्डिनेशन भी इनके अंगल नहीं जो मेरा का बिशप था उनके द्वारा किया।
जब से बिशप सॉरी पुरोहित बना, और बचपन से कहा जाता है बहुत ही विनम्र दयालु व्यक्ति था। इनके माता पिता, इनके बचपन में ही उनका मृत्यु हुआ था, और ये थोड़ा सा बड़े होने के बाद धीरे धीरे, माता पिता बहुत अमीर लोग थे, उनके जितने भी धन संपत्ति था वो धीरे धीरे बेच करके या गरीबों में बांटना ये शुरू किया। जब तक पुरोहित बना तब तक जो माता पिताओं का जो धन संपत्ति है पूरा गरीबों में बांट चुका था। बहुत ही दयालु व्यक्ति था। इनका जीवन का कई ऐसा उदाहरण भी हमें मिलता है। और कहा जाता है ये पुरोहित बन करके शुरू में ही होली लैंड का विजिट किया, वहां जाकर के, क्योंकि उस समय पर होली लैंड को पवित्र रखना और वहां के लिए तीर्थ यात्रा करना बहुत ही आशीषदायक बात है ये विश्वास करते थे। इसलिए होली लैंड जाने का निर्णय किया। समुद्री जहाज में बैठ करके लोग जा रहे थे। एक चमत्कार उसी यात्रा में ही हुआ। सबसे पहला जो चमत्कार यही है, जिस जहाज में बैठ करके समुद्री यात्रा कर रहा था वो बहुत बड़ा एक आंधी तूफान के सामना पड़ा, और उस आंधी तूफान के कारण उस जहाज नष्ट होना शुरू किया, यहां वहां टूटना शुरू किया। यह देख करके निकोलस ने, फादर निकोलस उठ खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हुए ईसा मसीह के नाम पर वो आंधी को ढांटा, और उसी समय पर कहा जाता है वो आंधी शांत हो गया, रुक गया, और इस प्रकार वे लोग होली लैंड पहुंचा था। ये एक चमत्कार अन्य अनेकों लोगों के सामने हुआ था, और इनकी ओर सब लोग ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद उसी पीरियड में कहा जाता है इनके मामा का मृत्यु हुआ, अंकल जो बिशप था, मेरा का जो बिशप था उनका मृत्यु हुआ। तब वहां के पुरोहित लोग बैठ करके किसे चुनना है, हमें मालूम है आदिम कलीसिया में इतना रूल एंड रेगुलेशन वगैरह नहीं होता था, एक कई लोग मिलकर के किसी को बिशप बनाया, थोड़ा अच्छा जन देखा, पढ़ा लिखा देखा, उनको बिशप बनाता था, ऐसा सब चुनता था। तो ये मेरे के जो डायसिस का जो पुरोहित ने प्रार्थना करने के बाद बोला, कल सवेरे जो पहले सबसे पहले इस चर्च आएंगे उन्हें हम लोग बिशप बनाएंगे। तो इस प्रकार बोल करके सब सोने के लिए गए। तो निकोलस होली लैंड यात्रा में था। होली लैंड यात्रा के बाद वापस आए रात्रि को, और वो सीधा उस मंदिर गए, चर्च गए। यह देख करके वहां के पुरोहितों ने, जिसे इन लोगों ने निर्णय किया था, इन्हें वहां का बिशप बनाया, ये इतिहास में पढ़ने के लिए मिला। और ये दयालु व्यक्ति अनेकों ऐसे कार्य किया, दया का, जो गरीबों का मदद का, रोगियों का जो मेडिटेशन हो, मेडिसिन देना हो, इस प्रकार का कई काम इन्होंने किया। और इनका एक प्रिंसिपल ये भी था, जैसे हमें मालूम है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में ईसा मसीह का पहाड़ संदेश में वाक्य 1 से लेकर 4 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर किस प्रकार दान देना है, गुप्त में दान देने के विषय में वहां पर ईसा मसीह ने सिखाया। जो तुम्हारा दाहिना हाथ कर रहा है वो बायां हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। यदि तुम डिंडोरा पीट करके दूसरों को दिखा करके कोई भी दान देता है, किसी को मदद करता है, ईश्वर की ओर से कोई आशीष आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको अन्य लोगों से वाहवाह चाहिए था, अरे ये बहुत धनी है, इसने ये किया वो किया, ऐसा ऐसा बोल करके। मैं कई बार बोलता हूं यदि कोई भी व्यक्ति मर जाता है, रीत जो उनके लिए जो फूल चढ़ाता है
उसमें भी नाम पत्र लिखता है, एड्रेस लिखता है, फलाना की ओर से, फलाना परिवार की ओर से ये भेंट चढ़ रहा है, रीत जो चढ़ा रहा है उसमें भी एड्रेस लिख करके डालने वाला हम लोग है। प्रभु बोलता है इस प्रकार जिससे जो कृपा तुम्हें मिलना है, तुमने जो दान दिया उसका जो प्रतिफल मिलना है वो लोगों से तुम्हें मिल गया, वाह वाह मिल गया, अभी ईश्वर से नहीं मिलेगा। यदि ईश्वर से तुम्हें आशीष चाहिए तो तुम्हारा दाहिना हाथ जो कर रहा है वो बाया हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात तुम गुप्त में दूसरों को दिखाने के लिए नहीं ये ऐसा कार्य, पुण्य कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये बात को निकलस अपने जीवन में उतार दिया, इसलिए उन्होंने जब कभी कुछ भी ऐसा कार्य करता था गुप्त रूप से करता था, चोरी छुपे करता था। इस प्रकार का अनेकों कहानियां हमें संत निकलस के जीवन से पढ़ने के लिए मिलता है। एक कहानी ऐसा है, तीन लड़कियां एक परिवार में, वो भी कहा जाता है वो परिवार बहुत धनी था लेकिन अपने पिता का गलत जीवन के कारण वो कंगाल बन गया था। बेटियों का विवाह करने का समय उस समय पर बहुत दहेज प्रथा चलता था, दहेज बहुत देना पड़ता था अच्छे लड़के अगर मिलना है तो। इस कारण लड़कियां भी दुखी थे, जीने के लिए कुछ नहीं है। कहा जाता है वेश्यावृत्ति के लिए भी इस प्रकार के बच्चों को फिर बाद में छोड़ देगा क्योंकि उनको जीने के लिए, विवाह के लिए कुछ है नहीं। तो ये जान करके संत निकलस जो बिशप था वहां का, उन्होंने रात्रि के समय पर अंधेरे के आड़ लेकर के सोने का सिक्का एक थैली में बंद कर करके उनके घर के खिड़की से फेंक दिया था, जहां घर के अंदर जो आग सिकते हैं वहां पर कुछ शू कुछ पड़ा था, वहां की ओर आकर के उसके अंदर आकर के गिर गया था। आजकल जो क्रिसमस ट्री वगैरह बनाते हैं या उसमें सॉक्स टांगते हैं, सॉक्स के अंदर कुछ गिफ्ट डालने के लिए वो प्रथा कहा जाता है, ये संत निकलस इस प्रकार ये जो सोने का सिक्का जो फेंका था वो जाकर के शू में या सॉक्स के अंदर घुसा था, वहां से उनके पिता को मिला। उस पैसे से, उस सोने से अपने बेटी का, बेड़े वाले बेटी का विवाह करवाया। उस बेड़ी वाले बेटी का विवाह करने के कुछ समय के बाद फिर से इसी प्रकार फेंक दिया, सप्ताह भर के अंदर ही फिर से इस प्रकार का सोने के सिक्का खिड़की से उनके घर में फेंका। ये फिर से अपने पिता को आश्चर्य हुआ, उस पैसे से दूसरे बेटी का भी शादी किया। तब ये कौन डाल रहा है इसको देखने का एक जिज्ञासा उस पिता में आया, आग्रह आया। इसलिए कहा जाता है अगले दिन से ये रोज इंतजार किया अभी तीसरे बेटी के लिए कोई ना कोई ऐसा फेंकेगा। तो इस प्रकार सप्ताह भर वो रात्रि में देखते रहा, जागते रहा, देखते रहा। तो आखिर में उन्हें मिला एक व्यक्ति ऐसा आकर के ये पैसा फेंकता हुआ, देखा तो वही बिशप निकलस था। तो तुरंत उन्होंने बोला किसी को बताना नहीं इसको गुप्त रखने का विषय में, लेकिन ये बाद में सब फैल गया था क्योंकि वो बिशप नहीं चाहता था, निकलस नहीं चाहता था मेरा नाम इस प्रकार अन्य लोग जाने। इस प्रकार चोरी छुपे गुप्त रूप से अपना वेश बदल करके चल के लोगों का मदद करने वाला व्यक्ति था ये बिशप। और इनके जीवन काल का अनेकों चमत्कार के विषय में भी इतिहास बताता है, इसलिए संत निकलस का एक दूसरा नाम भी बताता है, निकलस द वंडर वर्कर करके, मिरेकल दिखाने वाला व्यक्ति करके। इनके मृत्यु के बाद भी अनेकों चर्चस संत निकलस के नाम से हुआ और अनेकों लोग संत निकलस का मध्यस्थ द्वारा आशीष कृपाएं पाते हैं। और कुछ बातें मैंने नोट किया उसको बताता, एक तो समुद्री जो तूफान आंधी जो हुआ था वहां शांत करने के विषय में, और दूसरा तीन ऐसे सोल्जर को
वध करने का आदेश मिला था, वो गलत विचार के कारण, गलत जो नूस राजा को मिलने के कारण उनका वध करने का निर्णय हुआ था। वध करने के पूर्व में संत निकलस को प्रभु की ओर से सत्य का ज्ञान मिला, ये निर्दोष लोगों का वध कर रहा है। तो संत निकलस, बिशप निकलस उस समय पर इस मामले में आकर के हस्तक्षेप करते हैं और उन तो इन सोल्जरों का जीवन बचाता है। एक चमत्कार था, क्योंकि जो गुप्त बात, जो रहस्य, इन्होंने जो निर्दोष है उस सत्य को, जैसे हम लोगों को दानियल का ग्रंथ दिया है 13 के अंदर सुसन्ना को पत्थर मार करके मार डालने के लिए लेकर के जा रहे थे, उस समय पर ईश्वर की आत्मा दानियल नाम के युवक में उतर आया, दानियल नाम के युवक के द्वारा सुसन्ना को बचाता है और न्यायकर्ताओं का पत्थर मार करके मार डालता हुआ मिलते हैं। उसी प्रकार यहां पर तीन सिपाहियों को संत निकलस के द्वारा उन्हें जो प्राप्त ज्ञान प्रज्ञा के कारण उन्हें बचाया। और एक डरावना वृक्ष था एक जगह पर, उसमें लोग विश्वास करते थे शैतान का निवास है, कोई उसके पास जाना उसको काटना ये भयभीत था, क्योंकि उसमें शैतान है, उसके पास भी कोई जाएगा शैतान उन्हें नष्ट करेगा ये था। लेकिन शैतान पर अधिकार रखने वाला ईसा मसीह का नाम लेकर के संत निकलस, बिशप निकलस उस वृक्ष को काटा और उन्हें कुछ नहीं हुआ, इस प्रकार लोगों का डर भय को दूर किया, ये भी बताता है। और एक घटना बहुत, जो अकाल पड़ने के समय पर, उस समय पर कुछ अकाल पड़ गया था, उस अकाल के समय पर एक ऐसा व्यक्ति ने क्या किया, 3 बच्चों को मार डाला, मार डाल करके खाने के लिए, अचार डालने के लिए बोलता है, तो उनको मार डाला था। ये संत निकलस को पता चला, इन 3 बच्चों को इसके बाद जीवन दान दिया, मर्त जो टुकड़ा किया हुआ उन बच्चों को जीवन दान देता हुआ। इस प्रकार अनेकों चमत्कार संत निकलस का जीवित रहते वक्त भी हुआ, इसका हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो संत निकलस का इस प्रकार का चमत्कारी जीवन देकर के और विश्वास के जीवन को देकर के अनेकों लोग क्रिश्चियनिटी में क्रिस्त को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। लेकिन रोमन सम्राट इसके लिए तत्पर नहीं था, रोमन सम्राट ने इसे अरेस्ट किया और इन्हें जेल में डाला। इसके बाद जब 3री सदी में हमें मालूम है जो चर्च को जो आज़ादी दिया गया उस समय पर उन्हें भी जेल से मुक्ति मिला था। तो सम्राट डायोक्लेशन ने इन्हें जेल में बंद किया था। इनके द्वारा जितने भी जो प्रचार चल रहा था, लोग क्रिश्चियनिटी में आ रहा था, इसको देख करके इन्हें कारावास का सजा सुनाया, जेल में बंद किया। और आखिरी में जब कॉन्स्टेंटाइन जब राजा बना, इसके बाद उनको वहां से रिलीज किया। और एक बात मुझे पढ़ने के लिए मिला, कॉन्स्टेंटाइन के समय पर ही जो आर्यनिज्म, जो पाषंडता, ईश्वर के पवित्र तत्व के विषय में ईसा मसीह मनुष्य है ऐसे ऐसा बोल करके वो पूर्ण रूप से ईश्वर नहीं, ये सब का एक पाषंडता आर्यूस के द्वारा, जो आर्यनिज्म जिसे कहते हैं पाषंडता हुआ, उसको खंडन करने के लिए निसिया फर्स्ट काउंसिल हुआ था 325 में, सन 325 में, जिसके अंदर हमें मालूम है निसियन जो विश्वास मंदिर, जो नाइसिन क्रीड जिसे हम कहते हैं, वो जो बनाया था संत अथनासियस के द्वारा, उस काउंसिल में भी
संत निकोलस ने भाग लिया, इसका भी डॉक्यूमेंट में पढ़ने के लिए मिलता है। वो जो धर्मसार जो रचना हुआ उसके जो सिग्नेचर उसके लिए हाँ कर करके सही उसको मानने के लिए संत निकोलस का भी उसके अंदर दस्तखत करके कहा जाता है। तो इस प्रकार अनेकों कार्य करने वाला संत निकोलस का मृत्यु 73 साल की उम्र में 73 ईयर के उम्र में 6 दिसंबर 343 में हुआ। 6 दिसंबर को उनका हुआ, इसलिए 6 दिसंबर को उनका पर्व हम लोग मनाते हैं। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें, आज संत निकोलस को जिस प्रकार विवाह में किसी को बाधा है उनका संत के रूप में, और जो यात्रा करने वालों का सहायक संत के रूप में, चाहे सेलेस हो या यात्री लोग हो, बच्चों का प्रोटेक्टर के रूप में, बच्चों को सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है, और जो जेल में वास करने वाला प्रिजनर्स का मध्यस्थ के रूप में, और जहां अकाल पड़ता है उससे बचने के लिए, इस प्रकार अनेकों बातों का मध्यस्थ के रूप में, संत के रूप में उनसे विनती करते हैं और कलीसिया उनका आदर करते हैं। हमारे बीच में भी इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है, अपने बच्चों का संरक्षक के रूप में हो या हमारे विवाह में कोई बाधा हो, संत निकोलस का मध्यस्थता मांगे, और जो सफर करने वाला सहायता के लिए प्रार्थना करें। और दूसरा है दिसंबर 6 तारीख से जनरली आगमन काल का जो गिफ्ट देना शुरू करता है, क्योंकि जैसे संत निकोलस दूसरों का मदद करता था, विशेष रूप से आगमन काल में वो गरीबों का मदद, बच्चों को मदद करने सब निकलते थे। तो इनका पर्व के दिन से क्रिसमस कार्ड भेजना हो या अन्य गिफ्ट भेजना हो, ये सब कार्य करता है। हम भी निर्णय करें दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और संत निकोलस का आदर सम्मान करते हुए, इनका मध्यस्थ मांगते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, संत निकोलस का मध्यस्थ के द्वारा हमारे विवाह में जो भी बाधाएं हैं, रुकावट है, परिवार में जो तनाव है, अशांति है, ये सब दूर हो सके, हमारे बच्चों का विवाह हो सके। संत निकोलस प्रार्थना कीजिए, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगारी मिले, जो छोटे बच्चे हैं अन्य लोगों के हाथों बढ़ करके बर्बाद हो रहा है नशा वासना का पाप में, उन बच्चों को बचाने का प्रार्थना करें। जो अन्याय सहने वाले लोग जेल का जिंदगी जी रहा है, घर में हो या अन्य जगहों पर, आजादी नहीं है, और जो गलती नहीं किया उसके लिए सजा भुगत रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। और हमारे मिशनरी लोग, प्रभु का सेवा करने वाले लोग नाइजीरिया जैसे जगहों पर प्रतिदिन अनेकों क्रिश्चियों का मार डाल रहे हैं, हत्या हो रहा है, इस्लामिक कट्टरपंथी लोग क्रिश्चियनिटी को खत्म करने का निर्णय करते हुए हमारे क्रिश्चियों को पकड़ पकड़ करके जला रहा है, मार डाल रहा है, स्त्रियों के साथ बुरे हरकत, बच्चों के साथ बुरे हरकत, ऐसे कट्टरपंथी लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईसा मसीह को सब लोग अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर पाए, प्रार्थना कीजिए अपने अपने परिवार के लिए। संत निकोलस में हम लोगों ने कई गुणों को देखा, एक उनका विनम्रता, सौम्य स्वभाव, वो बहुत दयालु था, अन्यों पर दया करने की कृपा हमें भी मिले, वो ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करता था, ईश्वर मेरे साथ है,
इसलिए वो अधिकार लेकर के, यीशु का नाम लेकर के अधिकार के साथ शैतान को निकालना, आंधी तूफान को रुकाना हो, जो भी कार्य यीशु में विश्वास करते हुए करने का निर्णय करे। प्रज्ञा और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था, हमें भी इस प्रकार प्रज्ञा और ज्ञान मिले, सही और गलत का पहचान करने की कृपा हमें मिले, सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर उस स्वर्ग राज्य की यात्रा करने की कृपा हमें मिलने के लिए प्रार्थना करें। ऐसे संतों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। संत निकलस के इस पर्व पर हम सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष संत निकलस के द्वारा मिले। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु और हैप्पी फीस्ट्स।